Hello learners, welcome back to CMN Junction. In this video, we are going to continue study note 8 related to direct taxation, that is income under the head capital gains. So capital gains में previous video में हमने section number 47 पूरी तरीके से complete किया है और उसी class में हमने last में section number 47 को पूरा revise भी कर लिया था. आज हम उसके आगे देखने वाले हैं. So अभी तक हमने क्या क्या चीजें discuss कर ली है. हमने discuss कर लिया है section number 45, सेक्शन नंबर 46, सेक्शन नंबर 47 एंड सेक्शन नंबर 48. सेक्शन नंबर 48 में हमने क्या देखा था? तो सेक्शन नंबर 48 में हमने कंप्यूटेशन देखा था कैपिटल गेन का. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस तरीके से कंप्यूट करते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस तरीके से कंप्यूट करते हैं हमने देखा था सेक्शन नंबर 48 में. सो सेक्शन नंबर 48 अगर आप लॉ में ऐसा खोल के देखेंगे ना इनकम टैक्स एक्ट में, तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको स्पेसिफिकली बताया है. और सेक्शन नंबर 48 का जो सेकेंड प्रोविजो में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बताया कि किस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करना है. सो हमारे पास आता है कि फर्स्ट प्रोविजो क्या है सेक्शन नंबर 48 का. सो सेक्शन नंबर 48 का फर्स्ट प्रोविजो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, फिर सेक्शन नंबर 48 भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा. क्या बोल रहे हैं देखिए. कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स बाय अ नॉन रेसिडेंट. अगर नॉन रेसिडेंट क्या कर रहा है, शेयर्स या डिबेंचर्स का ट्रांसफर कर रहा है, तो कैपिटल गेन नॉर्मली आता है. कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, शेयर्स या डिबेंचर्स ट्रांसफर कर रहा है, इन दैट केस कैपिटल गेन अराइज होगा. आंसर इज यस, कैपिटल गेन अराइज होगा, हमको ये पता है. डिबेंचर्स में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, ये भी हमको पता है ना. अब इसमें क्या अलग है, तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, रेसिडेंट के लिए हम निकालते हैं, नॉर्मल एसएससी के लिए निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नॉन रेसिडेंट के लिए निकाल रहे हैं. सो थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होगा. क्यों अलग होगा? क्योंकि यहाँ पे जो भी शेयर्स और डिबेंचर्स वो खरीदने वाला है वो फॉरेन करेंसी में होने वाले हैं. ठीक है, शेयर्स और डिबेंचर्स वो खरीदेगा क्या पे करके, फॉरेन करेंसी पे करके. सो क्या बोल रहा है देखिए. फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 48 एंड रूल 115A किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉन रेसिडेंट एसएससी के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, नॉन रेसिडेंट एसएससी के लिए एप्लीकेबल है. नेचर ऑफ एसेट कैसा होना चाहिए? कैपिटल एसेट होना चाहिए. लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता. लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी, दोनों जगह पे यही सेक्शन अप्लाई होगा. अब कौन सा कैपिटल एसेट होना चाहिए? तो शेयर्स होने चाहिए या डिबेंचर्स होने चाहिए इंडियन कंपनी के, जो कि एक्वायर किए होने चाहिए फॉरेन करेंसी को यूटिलाइज करके. ठीक है, अगर आप फॉरेन करेंसी यूटिलाइज करके शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद रहे हैं इंडियन कंपनी के, इन दैट केस जो अभी हम कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं वो कैलकुलेशन अप्लाई होगी. टैक्स पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है. दिस प्रोविजन इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी एक्वायर्ड थ्रू री इन्वेस्टमेंट. अगर री इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपने कोई शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे थे, ठीक है, मतलब री इन्वेस्टमेंट कैसे, हमने किया एक जगह इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम वहां से पैसे निकाल के यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हमने दूसरे शेयर्स और डिबेंचर्स में खरीदा था, शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदे थे, फिर उसके बाद हमने अभी जो हम बेच रहे वाले शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद लिए, अब उसका ट्रांसफर कर रहे हैं, इन दैट केस भी ये वाला पॉइंट आपका अप्लाई करेगा. ठीक है, अब आती है बात प्रोसीजर की. तो प्रोसीजर क्या बोल रहा है देखिए. कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन सेम फॉरेन करेंसी. आज फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो बोला गया कि फॉरेन करेंसी हर बार आपका रुपी अमाउंट चेंज होते रहेगा फॉरेन करेंसी के हिसाब से. सो आपको एक्चुअल उस टाइम के हिसाब से जो भी चल रहा हो फॉरेन करेंसी की वैल्यू उसी के हिसाब से कैलकुलेशन हो. इसलिए बोला गया कि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे ना वो सारे ट्रांजेक्शन्स हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, आपके फॉरेन करेंसी में. फॉर एग्जाम्पल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारे पास इंडियन रुपीज में अवेलेबल है उस पर्टिकुलर पर्सन का. इन दैट केस सबसे पहले हमको उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे. सिमिलर वे में क्या हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया. फॉर एग्जांपल एट लास्ट हमारे पास फॉरेन करेंसी में अवेलेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अब जो ये वैल्यू अमाउंट आएगा ना इसको हम रिकन्वर्ट करेंगे इंटू इंडियन करेंसी. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हमने पहले इंडियन करेंसी से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया सारे अमाउंट को, फिर हम एट लास्ट जो फॉरेन करेंसी वाला अमाउंट आएगा उसको रिकन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में. ठीक है,
अब ये बोल रहा है कि विदाउट प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता। आपको पता है डिबेंचर्स के लिए तो मिलता ही नहीं है, लेकिन शेयर्स के लिए भी नहीं मिलेगा। किसके लिए? नॉन रेसिडेंट एसएससी के लिए, जब वो शेयर्स और डिबेंचर्स ले रहा है इंडियन कंपनी के। ठीक है, अब देखिए ये जो मेथड है वो मैंडेटरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो करना चाहे वो करे, जिसको नहीं फॉलो करना है वो ना करे, ये सबको फॉलो करना है, सबके लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, $1 का वैल्यू 75 रुपीज अभी चल रहा है, मतलब अगर मैं अभी जाके खरीदना चाहती हूँ तो मुझे कितने पे खरीदना पड़ेगा, $1 75 रुपीज पे करके मैं $1 खरीद सकती हूँ। बैंक या फिर डीलर ऑफ फॉरेन करेंसी जब भी वो सेल या बाय करते हैं तो वो रेट क्या बताते हैं, $1 का रेट आप वहां जाके पूछेंगे तो वो बोलेंगे 72 to 75 रहेगा, मतलब 72 उनका बाइंग रेट है और 75 उनका सेलिंग रेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिस्टर ए है हमारे पास और बैंक है। सो मिस्टर ए जो है वो फॉरेन जाना चाहते हैं, समझ लीजिए अमेरिका जाना चाहते हैं, तो उनको डॉलर की रिक्वायरमेंट है, उनको $10,000 चाहिए। सो ये बैंक के पास गए, बैंक को बोला कि मुझे $10,000 चाहिए, सो कितने पे पड़ेगा मुझे। सो ये क्या करने जा रहे हैं, मिस्टर ए बाय करने जा रहे हैं, बैंक क्या कर रहा है, बैंक सेल कर रहा है। और बैंक का सेलिंग रेट क्या है, बैंक का सेलिंग रेट है 75 per dollar, मतलब अगर मिस्टर ए को $10,000 चाहिए तो उनको कितने पे करने पड़ेंगे, उनको पे करने पड़ेंगे 7,50,000 rupees, तब उनको $10,000 मिलेंगे। ठीक है, सिमिलर वे में दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बैंक है और मिस्टर बी है, मिस्टर बी फॉरेन से आ रहे हैं वापस, अमेरिका से वापस आ रहे, तो इनको अब क्या करना है, इनके पास $10,000 पड़े हुए, ये गए बैंक के पास, बैंक को बोला कि बैंक मुझे सेल करना है $10,000, तो बैंक यहाँ पे क्या कर रही है, बैंक कर रही है बाय, बैंक बाय कर रही है, तो बैंक का बाइंग रेट क्या है, बैंक का बाइंग रेट है 72 रुपीज। इन दैट केस बैंक मिस्टर बी को कितना पे करेगी $10,000 के लिए, बैंक पे करेगी 7,20,000, मतलब देखिए बैंक बेच कितने पे रही है 7,50,000 पे, खरीद कितने पे रही है 7,20,000 पे, इन दैट केस बैंक को कितना फायदा हो रहा है, 30,000 का फायदा हो रहा है। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर बैंक ऐसा ट्रांजैक्शन आपसे करा रही है तो बैंक कुछ ना कुछ अपना फायदा भी देखेगी, है ना। सो बैंक को 30,000 का देखा जाए तो यहाँ से डायरेक्ट प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन इसमें से कुछ अमाउंट उनको एज एक्सपेंसेस भी कुछ पे करने होते हैं, वो रिलेटेड यहाँ से कट के बचा हुआ अमाउंट बैंक का होता है। ठीक है, सो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 75 में वो सेल करेगी, 72 में खरीद रही है, इन दैट केस उनको कितने का फायदा हो रहा है, 3 rupees per dollar उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, सो ये जो बाइंग रेट है इसको बोला जाता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, एंड सेलिंग रेट को हम बोलते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। ध्यान दीजिएगा, हमेशा बाइंग रेट कम होगा और सेलिंग रेट ज्यादा होगा बैंक या डीलर्स का, क्योंकि वो कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहेंगे, वो क्या चाहेंगे, हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, अब आते हैं हम कैपिटल गेन किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा। सो फॉर्मेट आपको सेम वही फॉलो करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं होगा। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ लिया दोनों, इसमें इंडेक्सेशन नहीं होगा, ना ही इंप्रूवमेंट ना ही एक्विजिशन का, हम यहाँ पे इंडेक्सेशन करेंगे, भले लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का फॉर्मेट हमारा ये सेम ही रहने वाला है। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कब की होती है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर ए और मिस्टर बी कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इनके पास एक प्रॉपर्टी है, कैपिटल एसेट है, ये इनको ये दे रहे हैं, उसके बदले ये इनको कितना रुपीस दे रहे हैं, 10 lakh rupees। कब दे रहे हैं 10 lakh rupees, ऑन 1/4/2019। सो ये कब का रेट है, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है ट्रांसफर डेट की, जब हमारा ट्रांसफर हो रहा है तब हमने डिसाइड किया था कि हम ये वाली प्राइस रखेंगे। ठीक है, सिमिलर वे में जब ट्रांसफर कर रहे हैं तभी का रिलेटेड एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर भी होगा, है ना, ट्रांसफर से रिलेटेड ही एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये 10 lakh rupees का कैपिटल ऐसे मिस्टर बी को देने के लिए 10,000 rupees खर्च किए, तो ये 10,000 rupees भी कब के लिए हुआ, ट्रांसफर के लिए हुआ, इसलिए हम इसको ट्रांसफर डेट में बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन का कॉस्ट क्या रहेगा, जब हमने एक्वायर किया है उस दिन का जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। इम्प्रूवमेंट, जब हमने इम्प्रूवमेंट कराया है उस दिन का जो कॉस्ट होगा वो हमारा इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट कहलाएगा। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई हो। अब देखिए
अब क्या होगा, हमारे पास हमको पता है दो रेट आते हैं, एक आता है बाइंग रेट, एक सेलिंग रेट। हमने बोला कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारे पास पहले रुपीज में अवेलेबल होगा, सो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए बाइंग रेट यूज करें कि सेलिंग रेट यूज करें? तो बोला गया कि आपको क्या करना है, एवरेज यूज करना है। बाइंग और सेलिंग का एवरेज हम यहाँ पे करेंगे, दैट इज टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट प्लस टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट डिवाइडेड बाय टू करके आपको एवरेज लेना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आप सेम चीज करेंगे, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर के लिए भी सेम चीज करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए भी सेम चीज करेंगे। और देखा जाए तो डिबेंचर्स और शेयर्स में इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो ये वाला पॉइंट तो पहले ही हटा दीजिए। सो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, एट लास्ट हमारे पास कैपिटल गेन आ रहा है। सो ये जो कैपिटल गेन आएगा वो कौन से रेट में रहेगा, ये बाइंग रेट में रहेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपको कैपिटल गेन को जब हम रिकन्वर्ट करेंगे इनटू इंडियन करेंसी, सो रिकन्वर्जन के टाइम पे हम कौन सा रेट लेंगे, हम लेंगे बाइंग रेट। ठीक है, रिकन्वर्जन के टाइम पे हम बाइंग रेट लेंगे यहाँ पे। अब ये जो एवरेज रेट है, ये एवरेज रेट कौन से दिन का लें, ऑफकोर्स ये बात है हर दिन चेंज होते रहती है फॉरेन करेंसी की वैल्यू, सो कौन से दिन का हम एवरेज रेट लें। सो हमने यहाँ क्या लिखा है, ट्रांसफर डेट। सो एवरेज रेट यहाँ ट्रांसफर डेट का लेंगे, यहाँ एवरेज रेट ट्रांसफर डेट का लेंगे, यहाँ एवरेज रेट एक्विजिशन डेट का लेंगे। जब भी हमने अपने शेयर्स या डिबेंचर्स एक्वायर किए होंगे उस दिन का यहाँ पे एवरेज रेट लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो ये आपको आई होप अच्छे से क्लियर हुआ हो, कैपिटल गेन हमने किस पे लिया है, हमने कैपिटल गेन लिया है बाइंग रेट पे। सो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, आपको इसमें अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। सो एग्जांपल देखिए, मिस्टर चीकू है NRI जिन्होंने रेमिट किया है $60,000 इंडिया, इंडिया में उन्होंने इतना $60,000 रेमिट किए हैं ऑन 11/10/1999। ठीक है, 11/10/1999 में उन्होंने रेमिट किए थे, जिसमें से पार्शली अमाउंट यूटिलाइज किया गया 31/10/1999 को परचेस करने के लिए 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स परचेस करने के लिए हमने $60,000 से कुछ अमाउंट निकाल लिया। किसके शेयर्स हमने खरीदे, ABC लिमिटेड के शेयर्स खरीदे जो कि इंडियन कंपनी है। कितने पे खरीदे, ₹25 पर शेयर पे खरीदे। अब क्या हुआ, हमने 23/2020 को ये शेयर्स हमारे फ्रेंड को बेच दिए ₹60 पर शेयर। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, आपको कंप्यूट करना है कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आपको कंप्यूट करना है। और एजम्पशन क्या लिया गया है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट जो भी हमने अडॉप्ट किया था वो SBI का अडॉप्ट किया था, और वो आपको रेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। क्या बोल रहा है, 11/10/1999 का बाइंग और सेलिंग रेट दिया हुआ है, 31/10/1999 का बाइंग और सेलिंग रेट दिया हुआ है, 5/3/2020 का बाइंग और सेलिंग रेट दिया हुआ है। ठीक है, सो एक्चुअल में हमने बाय कितने कब किया था, शेयर्स परचेस कब किए थे, 31/10/1999। तो ये डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी ये डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जब हमने अपने पैसे रेमिट किए, वो डेट इम्पॉर्टेंट है क्या, आंसर इज नो। ये डेट हमारी कोई भी काम की नहीं है, हमको बस ये दोनों डेट, दैट इज 31/10/1999 और 23/2020 में आपको ध्यान देना है, बाकी कोई डेट से आपको कोई मतलब नहीं। सो आते हैं आप सॉल्यूशन पे कि सॉल्यूशन किस तरीके से होगा इसका। सो हम कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ चीकू फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हमको पता है कि यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किस में लेनी है, हमको लेनी है फॉरेन करेंसी में, जो भी फॉरेन करेंसी होगी वो। फिर उसके बाद आएगा एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, नेक्स्ट इसके बाद हम लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नॉर्मली इसमें नहीं होता है फिर भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और एट लास्ट हमारा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि 1999 में हमने शेयर्स खरीदे थे और बेच रहे 2020 में, तो ऑफकोर्स ये बात है इतना बड़ा डिफरेंस है तो लॉन्ग टर्म ही आने वाला है। अब हम कैलकुलेशन देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन होंगी यहाँ पे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है, देखिए हमने कितने शेयर्स खरीदे, 20,000 शेयर्स खरीदे, कितने पे खरीदे, सॉरी कितने पे बेचे, एट द रेट रुपीज 60 पर शेयर पे हमने 20,000 शेयर्स बेचे। सो 20,000 शेयर्स कितने पे बेचे, ₹60 पर शेयर पे बेचे। अब हमको बोल रहा है कि एवरेज रेट आपको लेना है फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए,
सो सबसे पहले तो ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 20,000 इंटू 60 अगर आप करें तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, और देखा जाए तो 12 लाख रुपीज आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। सो ये होगा 12 लाख रुपीज। अब हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है फॉरेन करेंसी में। सो ये रुपीज में आ गया, आप फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या बोला गया, एवरेज रेट लेना है। सो एवरेज रेट क्या देखेंगे हम, बाइंग और सेलिंग रेट। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कौन से दिन का होता है, ये होता है ट्रांसफर डेट का, तो इसको आप 20 कर लीजिएगा। सो ट्रांसफर डेट कौन सी है, 23/2020, उस दिन का रेट देखेंगे तो 59 और 60 है। सो 59 और 60 का हम एवरेज लेंगे, दैट इज 59 + 60 डिवाइडेड बाई 2। सो एवरेज हो गया, सो आपके पास सॉरी ये 61 है, 59 61 का एवरेज हम लेंगे, तो आपके पास ये एवरेज आ जाएगा, तो आपके पास एट लास्ट कितना आने वाला है, देखिए 12 लाख डिवाइडेड बाय 60 आपके पास आने वाला है, दैट इज इक्वल टू आपके पास अब जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा $20,000, हमने डॉलर्स में कन्वर्ट कर लिया। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमको मिल गया। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कुछ किया है कि, आंसर इज नो। अब आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो हमने 20,000 शेयर्स कितने पे एक्वायर किए थे, 25 पे एक्वायर किए थे, डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे भी एवरेज से, है ना। सो एवरेज लेंगे, कब था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात है, तो जब एक्वायर किया था हमने ये पर्टिकुलर एसेट, उस दिन का हम क्या लेंगे, एवरेज रेट। सो हमने एक्वायर कब किया था, तो देखिए हमने एक्वायर किया था 31/10/1999 को। सो उस दिन का रेट क्या है, 31 और 33। सो 31/33 का हम लेंगे एवरेज, 31 + 33 डिवाइडेड बाय 2। सो अगर आप ये कैलकुलेट करें, सो ये आपके पास आएगा $15,625, ठीक है। सो हमको दोनों वैल्यू मिल गई, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिल गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल गया, तो दोनों यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारे पास आया है डॉलर में 20,000, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नल था, हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहा है 15,625, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नल है। एट लास्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, कितना आएगा, $4,375। तो डॉलर्स में आ गया। अब एट लास्ट जो कैपिटल गेन आएगा उसको भी मैंने आपको बताया कि आपको कन्वर्ट करना है बाइंग रेट यूज करके, किस में कन्वर्ट करना है, रुपीस में। सो ये किस दिन का बाइंग रेट लेंगे, हम लेंगे ट्रांसफर डेट का बाइंग रेट, ठीक है। सो डॉलर 4375 मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर डेट का बाइंग रेट क्या है, 59, ठीक है। सो 59 से मल्टीप्लाई किया हमने, एट लास्ट हमारे पास ये वैल्यू आएगी 2,58,125। एक बार और चेक कर लीजिएगा ये अमाउंट आप, ठीक है। सो ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, इसके बाद क्या होगा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स इन सर्टेन केसेस। हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें अगर कैपिटल गेन आ रहा है तो उसमें एग्जेम्पशन मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स मतलब ऐसे कैपिटल एसेट्स जिसको हमने फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू खरीदा है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एप्लीकेबल किसके लिए है, नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए। हमने जो प्रोविजो देखा था सेक्शन नंबर 48 का, वो किससे रिलेटेड था, नॉन रेसिडेंट एसएससी के लिए, मतलब कोई भी नॉन रेसिडेंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नॉन रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए। इंडियन कौन होगा, इंडियन मतलब ऐसा इंडिविजुअल जो कि सिटीजन है इंडिया का, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, लेकिन नॉन रेसिडेंट है, वो नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। उनके लिए ही सिर्फ ये एग्जेम्पशन अप्लाई करेगा, अदरवाइज किसी के लिए भी अप्लाई नहीं करेगा। कंडीशंस क्या है एग्जेम्पशन के लिए, सबसे पहले तो एसएससी ने ट्रांसफर किया होना चाहिए एनी ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एसएससी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया होना चाहिए, इनमें से कोई भी जो कि उसने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज खर्च करके एक्वायर किया होना चाहिए, मतलब उसने अपने फॉरेन करेंसी में इसको एक्वायर किया होना चाहिए। शेयर्स खरीद सकते हैं वो इंडियन कंपनी के, डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, डिपॉजिट विद एन इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो शेयर्स आप इंडिया की किसी भी कंपनी से खरीद सकते हैं, इंडियन कंपनी होनी चाहिए बस, और डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ही होने चाहिए, तभी अलाउ किया जाएगा, ठीक है। सो आपने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया हमने, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए कौन है, एनआरआई है, इन्होंने क्या ट्रांसफर किया है, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स ले लेते हैं हम इंडियन कंपनी के, ट्रांसफर किए हैं, अब ट्रांसफर कर दिए मिस्टर वी को। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए
अब ये मिस्टर ए ने ये शेयर्स ट्रांसफर किए तो उनको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आया होगा, इस पे हम कैपिटल गेन चार्ज करते हैं। तो बोला जा रहा है कि एग्जेम्पशन कब मिलेगा, अगर मिस्टर ए 6 महीने के अंदर जो भी अमाउंट मिला है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। किस में इन्वेस्ट कर देते हैं? शेयर्स खरीदने के लिए इंडियन कंपनी के डिबेंचर्स, इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डिपॉजिट्स, इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। इन दैट केस उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, ये चारों में से कोई एक बेचा और 6 महीने के अंदर ये 5 में से कोई एक खरीदा, इन दैट केस आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन के लिए बोला जा रहा है एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। मिनिमम मिलेगा इन दोनों में से, किन दोनों में से? पहला तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको जितना भी है वो, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट। 6 महीने का टाइम जिसके लिए दिया गया ना, वो नए एसेट में आपने जितना इन्वेस्ट किया वो अमाउंट यहाँ पे आएगा, डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन ऑफ ओरिजिनल एसेट। मतलब मिस्टर ए ने जब ये वाले शेयर्स बेचे होंगे तो जितना ये कंसिडरेशन आया ना वो, और जब ये वाले शेयर्स खरीदे तो उसका कितना कॉस्ट पड़ा वो, इनटू में आपको ये लेना है, डिवाइड में आपको ये लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, अच्छे से क्लैरिटी आएगी। विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन समझिए, व्हेन द न्यू एसेट एक्वायर्ड बाय द असेसी, ने नया एसेट एक्वायर कर लिया है लेकिन अब क्या कर रहा है वो, उसको ट्रांसफर कर रहा है या कन्वर्ट कर रहा है इनटू मनी विद इन 3 ईयर्स। मतलब ये 6 महीने वाला चीज तो उसने फॉलो कर लिया, लेकिन अब ये जो है ये पर्टिकुलर शेयर डिबेंचर जो भी इन 5ों में से उसने खरीदा है उसको वो 3 साल से पहले ही ट्रांसफर कर दे रहा है या फिर मनी में कन्वर्ट कर ले रहा है। इन दैट केस जो भी एग्जेम्पशन आपको दिया गया था, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, ये वाला अमाउंट या फिर ये वाला अमाउंट, तो वो एग्जेम्पशन आपका रिवोक कर लिया जाएगा। रिवोकेशन ऑफ एग्जेम्पशन में क्या होगा, बेनिफिट जो भी अवेल किया था आपने इस सेक्शन के अंदर वो टैक्सेबल हो जाएगा एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जब आपने नया एसेट ट्रांसफर कर दिया या कन्वर्ट कर लिया मनी में। कौन से ईयर में होगा, जब आपने ये ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब देखिए सेक्शन नंबर 115F ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसके अंदर एग्जेम्पशन लें चाहे तो ना लें, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। असेसी अगर 115F अप्लाई करना चाहता है इन दैट केस उसको रिटर्न ऑफ इनकम में ये बताना पड़ेगा। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। सो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारे पास ये मिस्टर ए है जो कि NRI है, ठीक है। इन्होंने शेयर्स खरीदे एक्स लिमिटेड के जो कि इंडियन कंपनी है, कितने शेयर्स खरीदे, 10,000 शेयर्स खरीदे एट द रेट ₹20 पर शेयर। कब खरीदे, 1/4001 को शेयर खरीदे, ठीक है। किस में खरीदे, डॉलर में खरीदे, इन्होंने फॉरेन करेंसी यूज किया है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है। नेक्स्ट ट्रांसफर कब किया, अब इन्होंने ये जो एसेट खरीदा था शेयर्स खरीदे थे उसको वो ट्रांसफर कर रहे हैं ऑन 1/5/2017 एट द रेट ₹60 पर शेयर वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। सारे 10,000 शेयर्स जो कि उनके पास एक्स लिमिटेड के थे वो पूरे के पूरे वो ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, मिस्टर बी को, ठीक है। तो बाइंग रेट और सेलिंग रेट आपको दिया हुआ है 1/4/2001 का, 1/5/2017 का। सबसे पहले इतना केस हम सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे की बात देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ता है, फर्स्ट प्रोविजो के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट असेसी होना चाहिए, शेयर्स या डिबेंचर्स होने चाहिए। सो हमारा फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई हो रहा है क्योंकि सारे पॉइंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। सो अब क्या होगा, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। सो केस ए ले रही हूँ मैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा यहाँ पे हो रहा है कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2000। कब हो रहा है ये ट्रांजेक्शन, 2017-18 में हो रहा है, तो 2018-19 असेसमेंट ईयर हम यहाँ पे लेंगे, है ना। सबसे पहले बात आती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की, फिर आएगा एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नेक्स्ट हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड एट लास्ट हमारे पास आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कैसे पता चला, 1/4/2001 का है और हम बेच कब रहे हैं, 1/5/2017 को। ध्यान रखिएगा फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई ही तभी होता है जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, है ना। अब आते हैं हम कैलकुलेशन में, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देखते हैं हम कितनी लेंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखें, सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमने कितने में बेचा है, 10,000 शेयर्स बेचे 60 पर शेयर के हिसाब से। सो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 पर शेयर, ठीक है,
तो ये हो गई हमारी वैल्यू. अब इसका एवरेज निकालना है, सॉरी हमको क्या करना है, इसका डॉलर में अमाउंट निकालना है, तो हमको डिवाइड करना होगा एवरेज रेट से. एवरेज रेट किसका लेंगे, बाइंग और सेलिंग रेट डिवाइडेड बाय 2. कौन से दिन का लेंगे, जिस दिन ट्रांसफर हुआ है, दैट इज 1/5/2017 का लेंगे, जो कि दिया हुआ है 50 and 52. ठीक है, सो यहाँ लेंगे 50 + 52 / 2, दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी डॉलर में आ जाएगी, वैल्यू आएगा ये आपके पास $11,765. सो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिल गया $11,765. अब आते हैं एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, मिल है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए 10,000 शेयर्स हमने एक्वायर किए, कितने में एक्वायर किए थे, 20 पर शेयर में. ठीक है, 20 पर शेयर में एक्वायर किए थे. कब एक्वायर किए थे, 1/4/2001 को एक्वायर किए थे. तो 1/4/2001 का एवरेज रेट लेंगे, बाइंग और सेलिंग डिवाइडेड बाय 2. सो हमारे पास है 18 + 20 / 2. अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो ये आएगा $10,526. आपको ये अमाउंट्स को वापस से खुद से भी निकालना है और सारी चीजें खुद से करनी है. ठीक है, कैलकुलेशंस खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, जितना ज्यादा खुद से करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा. सो 10,526 हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मिल रहेगा, एट लास्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है हमारे पास $1,239. ठीक है, ये हो गया डॉलर में. अब इसको हमको क्या करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रुपीज में कितना आएगा, तो हमको बोला गया था जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसको बाइंग रेट से आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे. सो 1239 हमारे पास डॉलर में है, मल्टीप्लाइड बाय हम बाइंग रेट लेंगे कब का, ट्रांसफर डेट का. ट्रांसफर डेट का बाइंग रेट क्या है, 50. सो 50 से यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी रुपीज में, दैट इज इक्वल टू 61,950. ठीक है, सो हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल गया. अब आते हैं इसके बाद क्या चीजें दी गई हैं, यहां तक की चीजें हमने पूरा सॉल्व कर लिया, ये पूरा. अब आते हैं मिस्टर ए हैं जो कि शेयर्स खरीद रहे हैं, ये शेयर्स उन्होंने बेच दिए, ये सेम मिस्टर ए की बात की जा रही है. वो अब शेयर्स खरीद रहे हैं वाई लिमिटेड के, जो कि इंडियन कंपनी है. 10,000 शेयर्स खरीद रहे हैं एट द रेट ₹60 पर शेयर. कब खरीद रहे हैं, 29/10/2017. हमने क्या बोला था, अगर आपने पहले ओरिजिनल शेयर्स को ट्रांसफर करने के 6 महीने के अंदर दूसरे अगर आपने एसेट्स खरीद लिए, एसेट्स हमने देखे थे 5 एसेट थे, उसमें शेयर भी था, अगर आपने खरीद लिया 6 महीने के अंदर, इन दैट केस एग्जेम्पशन मिलेगा. तो हमको चेक करना है 6 महीने है क्या, 1/5/2017 को हमने ट्रांसफर किया था हमारा ओरिजिनल एसेट, हम खरीद कब रहे हैं, 29/10/2017. इन दैट केस ये हमारे अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स के अंदर ही है, 6 मंथ्स के अंदर है, इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा, एग्जेम्पशन भी मिलेगा. सो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया उसमें से एग्जेम्पशन माइनस होगा. अब एग्जेम्पशन लेंगे कितना, वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. सो यहाँ पे हम एग्जेम्पशन कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास एग्जेम्पशन मिलता है जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, उतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 61,950. या फिर हम कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू ओरिजिनल जो हमने न्यू एसेट जो खरीदा है उसका कॉस्ट कितना पड़ा. सो हमने जो नया एसेट खरीदा है, हमने खरीदा है ₹60 पर शेयर में, कितना खरीदा है, 10,000 शेयर्स, दैट इज इक्वल टू हमको यहाँ पे कॉस्ट पड़ा है 6 लाख. ठीक है, कॉस्ट हमको पड़ा, न्यू एसेट का कॉस्ट हम लेंगे यहाँ पे. सो न्यू एसेट का कॉस्ट आएगा यहाँ डिवाइडेड बाय ओल्ड एसेट जितने में बेचा. ठीक है, सो वैल्यूज में अगर लूँ तो 61,950 इंटू न्यू एसेट हमने कितने पे खरीदा है, हमने खरीदा है 6 लाख रुपीज में. ठीक है, हमने कितने पे खरीदा है, 6 लाख रुपीज में खरीदा. एक बार और चेक कर लेते हैं, हमने 60 पर शेयर के हिसाब से खरीदा है. सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये हमारा होगा 80 पर शेयर. ठीक है, 80 पर शेयर के हिसाब से हमने खरीदा है. ठीक है, 80 पर शेयर के हिसाब से अगर हम खरीद रहे हैं इन दैट केस, या फिर इसको रहने दीजिए, इसको हम 60 रहने देते हैं, ये हमारा 60 पर शेयर है. ठीक है, 60 पर शेयर के हिसाब से हमने बेचा, 60 पर शेयर के हिसाब से हम खरीद रहे हैं, इन दैट केस डिवाइड क्या होगा, डिवाइड भी होगा 6 लाख रुपीज. कैसे आया समझिएगा, हमने जब मिस्टर ए ने जब ट्रांसफर किया था अपना ओरिजिनल शेयर, कितने में ट्रांसफर किया था, 10,000 शेयर्स उन्होंने ट्रांसफर किए थे एट द रेट ₹60 पर शेयर. उन्होंने एक नया शेयर खरीदा है मिस्टर ए ने, फिर नया शेयर खरीदा है वाई लिमिटेड का, 10,000 शेयर खरीदा है एट द रेट ₹60 पर शेयर. ठीक है, सो 10,000 × 60 करें तो कितना आ रहा है, 6 लाख. ये हमारे न्यू एसेट की कॉस्ट हो गई,
न्यू एसेट की कॉस्ट हमने मल्टीप्लाई कर दी डिवाइडेड बाय जो आपको ओल्ड एसेट से कंसिडरेशन मिला है. सो 10,000 इंटू 60 दैट इज 6 लाख ओल्ड एसेट से कंसिडरेशन मिल रहा है. सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 61,950. एट लास्ट हमको एग्जेम्पशन कितने मिलने वाला है. मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग दोनों वैल्यू सेम है इसलिए हमको मिलेगा 61,950 का एग्जेम्पशन. सो यहाँ पे आपको 61,950 का एग्जेम्पशन मिल गया. एट लास्ट यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निल हो गया. कब का है ये 2018-19 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे पास निल हो गया. अब इसके बाद क्या हो रहा है देखिए, हमको बोला गया था कि जब भी आप ये नया एसेट खरीदेंगे, न्यू एसेट को खरीदने के 3 साल तक आपको रखना है अपने पास, नहीं तो एग्जेम्पशन जो है विदड्रॉ कर लिया जाएगा. सो देखिए मिस्टर ए ने खरीदा कब था, 29/10/2017 को खरीदा था और वो ट्रांसफर कर रहे हैं मिस्टर सी को. कब ट्रांसफर कर रहे हैं, 1/4/2019 को. डिफरेंस देखे तो अप्रोक्सीमेटली 2 साल के आसपास ही हो रहा है, उससे भी कम हो रहा है ना. इन दैट केस यहाँ पे 3 साल पूरे नहीं हो रहे और आप ट्रांसफर कर रहे हो तो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा. अब एग्जेम्पशन विड्रॉ होगा तो कैसे होगा, कैलकुलेशन देखिए. सबसे पहले तो हमको एज ट्रांसफर हो रहा है ना, 1/4/2019 को भी ट्रांसफर हो रहा है तो उस दिन का कंप्यूटेशन करना होगा कैपिटल गेन. कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21. सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी. सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना दिया है हमको वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमने 80 रुपीज में 10,000 शेयर्स बेचे हैं. सो 10,000 शेयर्स इंटू 80. अब यहाँ पे एवरेज रेट लेते हैं तो बाइंग प्लस सेलिंग कब का, ट्रांसफर डेट का, डिवाइडेड बाई 2. सो बाइंग रेट प्लस सेलिंग रेट डिवाइडेड बाई 2 हमको करना है. 60 + 62 / 2 दैट इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 13,115. तो ये आ गई हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डॉलर में 13,115. फिर आता है बात एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नहीं है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात आती है. सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने पे एक्वायर किया था, 10,000 शेयर्स हमने 60 पर शेयर के हिसाब से एक्वायर किया था, है ना. यहाँ देखिए, सो 60 पर शेयर के हिसाब से हमने एक्वायर किया था. तो 10,000 × 60 यहाँ का आपका एवरेज रेट लिया जाएगा. कब का एवरेज रेट, जब आपने एक्वायर किया था उस दिन का. हमने एक्वायर कब किया है, हमने एक्वायर किया 29/10/2017 को. तो उस दिन का रेट क्या है, 53 और 55. इन दोनों का एवरेज लेंगे हम, 53 + 55 / 2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आएगी 11,111. सो डॉलर में वैल्यू आ गई 11,111. अगर आप इनको माइनस करें तो एट लास्ट हमारे पास ये वैल्यू आ रही है डॉलर में 2004. ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2004 जो कि है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डॉलर्स में. अब क्या करते हैं, हम इसको वापस से कन्वर्ट करते हैं एज पर बाइंग रेट. किस में कन्वर्ट करते हैं, रुपीस में. सो 2004 इंटू बाइंग रेट देखना होगा जब आपने ट्रांसफर किया उस दिन का. सो बाइंग रेट अगर देखें तो 60 रुपीज है. सो 60 रुपीज हम यहाँ पे ले लेंगे कॉस्ट. सो आपके पास ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 1,20,240 का. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट. हमने बोला कि हम एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लेंगे. हमने अभी क्या चीज रिकॉर्ड किया, ये जो ट्रांसफर हुआ है मिस्टर ए से मिस्टर सी के पास, हमने वो रिकॉर्ड किया. अब हमको क्या रिकॉर्ड करना है, हमको ये एग्जेम्पशन भी विड्रॉ हो गया, जो एग्जेम्पशन मिला था वो एग्जेम्पशन विड्रॉ भी हो रहा है. सो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है उसमें ऐड कर दीजिए एग्जेम्पशन विड्रॉन. कितना अमाउंट एग्जेम्पशन विड्रॉन का, जितना आपको एग्जेम्पशन मिला था. कितना एग्जेम्पशन मिला था, 61,950 का एग्जेम्पशन मिला था. सो ये 61,950 आप वापस से यहाँ पे ऐड कर देंगे. सो एट लास्ट हमारे पास ये वैल्यू आएगी, देखिए 1,92,190 रुपीज हमारे पास आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि आपको पे करना होगा. आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो. थोड़ा लॉन्ग है, आपको जैसे मैंने डिवाइड करके सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व करना है. सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया मिस्टर ए और मिस्टर बी का, तो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था सेम उसी के तरीके का क्वेश्चन हो गया था, यह तो इजिली सॉल्व हो गया. फिर उसके बाद एग्जेम्पशन की बात आई यहाँ पे, तो हमने सबसे पहले एग्जेम्पशन निकाल लिया कि कितना एग्जेम्पशन मिलेगा और एग्जेम्पशन को डिडक्ट कर दिया. फिर उसके बाद वापस से सेल हो रहा है तो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो रहा है. सबसे पहले हमने सेल का रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद हमने एग्जेम्पशन विड्रॉन को रिकॉर्ड किया. इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है. सो इस चीज को जो मैंने आपको ये सॉल्यूशन बताया, आपको एक बार दो बार इसको देखना पड़ेगा, एक दो बार देखिए ताकि आपको इसकी अच्छी से क्लैरिटी हो जाए. और मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ सेम उसी टाइप का, आपको ट्राई करना है ताकि ये जो क्वेश्चन है आपसे भी अच्छी तरीके से हो जाए. बहुत इंपॉर्टेंट है
फर्स्ट प्रोविजो रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 48 आपको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको फर्स्ट प्रोविजो से रिलेटेड ये जो ए केस आपको दिया हुआ है ना, हमने जो अभी सॉल्व किया उसमें से भी ए केस जो हमने सॉल्व किया था सिर्फ वो हमारा किससे रिलेटेड था, वो हमारा फर्स्ट प्रोविजो से रिलेटेड था. फिर उसके बाद हमने 115 एफ के अंदर एग्जेम्पशन देखी, उससे रिलेटेड हमने ये जो सेकंड केस सॉल्व किया है वो था. सिमिलर वे में यहाँ पे भी मैंने आपको दो केसेस दिए हैं, उसी तरीके से सॉल्व करना है आपको. एक बार खुद से ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब इसके आगे हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 49. सो सेक्शन नंबर 49 हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे. आप ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए, ठीक है. नेक्स्ट क्लास से हम सेक्शन नंबर 49 स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास हम यही एंड करते हैं. और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आज हम ये आपको जो नोट्स दिख रहे होंगे, ये नोट्स जो है, ये नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करके रखा है इंस्टा मोजो पे. आपको लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से ये नोट्स ले सकते हैं. फिर एक्स्ट्रा जो भी चीजें मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ आप भी साथ में उनको ऐड करते जाइए, ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप खुद भी लिखें और आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हो. तो नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स. सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.